गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू द एडिशन। बेटा मैं आपको पहले वन डिजिट वाला एडिशन सिखा चुकी हूँ, आज हम आपको टू डिजिट वाला एडिशन सिखाएंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट, 26 एंड 42 ये हमें ऐड करने हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, राइट साइड से वंस कॉलम को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। एड द डिजिट इन वंस कॉलम, ठीक है। वंस कॉलम में सबसे पहले बेटा आपको देखना है कि इसमें से बड़ी डिजिट कौन सी है, ठीक है। इसमें 6 है, ठीक है, काउंट ऑन फिंगर। सबसे पहले हम 6 काउंट करेंगे फिंगर पर, 1 2 3 4 5 6। फिर सेकंड क्या है बेटा, 2 एंड 2 1 2। अब हाउ मैनी टोटल नंबर्स, जहां से आप बेटा ये लास्ट यहां से है तो यहीं से आपको अगेन रिपीट करना है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट हेयर 8 इन वंस कॉलम। अब हमें क्या करना है, एड द डिजिट इन टेंस कॉलम। अब हमें टेंस कॉलम को ऐड करना है, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, 4। 1 2 3 4 एंड 2 1 2। हाउ मैनी टोटल नंबर, 1 2 3 4 5 6, राइट हेयर 6। सेकंड देखिए, अब हमें क्या करना है, एड द डिजिट इन वंस कॉलम। सबसे पहले हमें वंस कॉलम को ऐड करना है। जब किसी भी नंबर को बेटा 0 से प्लस करते हैं तो क्या आता है, नंबर ही आता है, 0 कुछ नहीं होता, ठीक है। अब 0 को 3 को 0 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 3 का 3 आएगा, ठीक है। एंड एड द डिजिट इन टेंस कॉलम। अब हमें क्या करना है, टेंस कॉलम को ऐड करना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन से बिग डिजिट कौन सी बेटा, 6, काउंट ऑन फिंगर नंबर 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 3, 1 2 3। हाउ मेनी टोटल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट हेयर 9। सो 63 प्लस 30 90 इक्वल टू 93। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बेटा, इसमें भी सेम इसी तरह ही है, एड द डिजिट इन वंस कॉलम। हमें क्या करना है, सबसे पहले वंस कॉलम को ऐड करना है। बेटा जब भी हम प्लस करते हैं तो हमें हमेशा राइट साइड से सोल्व करना है, ठीक है ना, वंस प्लेस से। जैसे वंस है ये, एड द डिजिट इन वंस कॉलम। 6 को जब हम 0 से प्लस करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 6 का 6 आएगा। एंड एड द डिजिट इन टेंस कॉलम। अब हमें क्या करना है, टेंस कॉलम को ऐड करना है। अब देखो सेम नंबर है, ठीक है, काउंट ऑन फिंगर 1 2, दूसरा नंबर क्या है 1 2। हाउ मेनी टोटल नंबर, 1 2 3 4, राइट हेयर 4। 26 प्लस 20 इक्वल टू 46। अब क्वेश्चन नंबर बेटा फोर्थ देखिए। अब देखिए ये क्या है, कैरी वाला है बेटा, ठीक है। जैसे देखिए, एड द डिजिट इन वंस कॉलम को हमें ऐड करना है, 5 एंड 5, ठीक है, काउंट ऑन फिंगर 1 2 3 4 5। अगेन दूसरा नंबर क्या है बेटा, 5 1 2 3 4 5। हाउ मेनी टोटल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 का बेटा क्या आएगा, देखिए ये 10 है, अब हमें क्या करना है, ये वंस है और ये टेंस है, तो वंस वाले को वंस प्लेस पर रखना है, 1 कैरी ओवर 1 इन टेंस में, ठीक है ना। अब 5 को हम 0 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 5 ही आएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें कैरी ऐड करनी है, 5 एंड 1 6, ओके। 55 एंड 5 इक्वल टू 60। नेक्स्ट नंबर देखिए बेटा, एड द डिजिट इन वंस कॉलम, 6 एंड 2। अब देखिए बेटा, अब एक माइंड वाला और सिखा रही हूँ दूसरा मेथड से। जैसे देखिए, अब हमें सबसे पहले देखना है इसमें से कौन सा बड़ा नंबर है। अब इसमें 6 नंबर बड़ा है, तो 6 नंबर इन माइंड एंड 2 नंबर ऑन फिंगर, टेक 6 7 8,
इसी तरह से ये करना है, एट द डिजिट इन टेंस कॉलम। अब इनमें से देखना आपको कौन सा लार्ज नंबर है बेटा, 5 नंबर है, तो जो बड़ा नंबर आता है वो हमें माइंड में रखना है, 5 नंबर कीप इन माइंड एंड 4 नंबर ऑन फिंगर, ठीक है। टेक 5, 6, 7, 8, 9 राइट हियर, 9, 56 + 42 = 98 ठीक है बेटा। अब मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करा दिया है, बाकी के आपको ये सॉल्व करने हैं होमवर्क में, ठीक है। ये बेटा आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। राइट इन नोटबुक एंड बुक, बेटा ये आपको बुक में भी करने हैं और नोटबुक में भी करने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। नाउ वी विल डिस्कस वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। अब हम आपको क्या कराएंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम कराएंगे। इसमें आपको बेटा वर्ड प्रॉब्लम, पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, ठीक है, देन इसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5 चिल्ड्रन आर स्टडिंग। 5 चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं बेटा, बच्चे पढ़ रहे हैं। एंड 12 मोर चिल्ड्रन ज्वाइन देम। अब 5 बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है 12 बच्चे और ज्वाइन हो गए, ठीक है। अब ज्वाइन हो गए तो उसमें क्या आएंगे, 5 तो थे और 12 और आ गए, तो अब हमें क्या करना है, इसमें प्लस करना है, ठीक है। ज्वाइन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर नाउ स्टडिंग, अब उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें सोल्व करना है। सबसे पहले बेटा हम वंस और टेंस मेंशन करेंगे, ठीक है। अब इसमें से कौन सी डिजिट बड़ी है, 12 है ना, तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे 12, जो 12 मोर चिल्ड्रन ज्वाइन देम एंड 5 चिल्ड्रन आर स्टडिंग, 5 इधर मेंशन करेंगे, ठीक है। 12 एंड, अब हमें सोल्व करना है, प्लस करना है, 12 एंड 5, ठीक है। एड द डिजिट इन वंस कॉलम को हमें एड करना है, ठीक है। अब इसमें से देखना, सबसे पहले आप देखेंगे इसमें से कौन सी नंबर बड़ा है, 5 नंबर बड़ा है ना बेटा, तो आपको क्या करना है, काउंट ऑन फिंगर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 2, 1, 2, हाउ मेनी टोटल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राइट एयर, 7 इन वंस कॉलम। एड द डिजिट इन टेंस कॉलम, अब हम क्या करेंगे, टेंस कॉलम को एड करेंगे। अब 1 को जब हम 0 से प्लस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 1 का 1 आएगा, ठीक है। 12, 5 चिल्ड्रन तो बेटा पढ़ रहे थे, 12 उसमें और ज्वाइन हो गए, अब टोटल बच्चे कितने हो गए वहां पर, अब कितने टोटल बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर, 17 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 17 चिल्ड्रन, ओके। अब क्वेश्चन सेकंड पे आइए बेटा, अब हमें रीड करना है पहले क्वेश्चन को, देयर आर 17 फिशेस इन आर रिवर, वहां पर क्या है बेटा, 17 फिशेस, फिशेस का मीन क्या होता है, मछलियां, क्या कहां पर है, रिवर के अंदर है। एंड 3 मोर ज्वाइन देम, और 3 और आ गई उधर, भाई 17 तो ऑलरेडी थी रिवर में और 3 और उन्होंने ज्वाइन कर लिया, मतलब उसमें शामिल हो गई। अब हमें बताना है हाउ मैनी फिशेस आर देयर इन अ रिवर, अब नदी में टोटल कितनी मछलियां हैं, फिशेस हैं, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना, सॉल्व करना है। अब हमें राइट हेयर वंस एंड टेंस, सबसे पहले हम लिखेंगे 17 फिशेस और ज्वाइन किया है 3, ठीक है। अब हाउ मैनी टोटल फिशेस, अब नदी में कितनी फिशेस है, ठीक है, हम अब इन्हें प्लस करेंगे। एड द डिजिट इन वंस कॉलम, वंस कॉलम को एड करेंगे 7 एंड 3, ठीक है। काउंट ऑन फिंगर नंबर 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 3, 1, 2, 3, हाउ मेनी टोटल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 का बेटा क्या आ जाएगा, 0 कैरी ओवर 1 इन टेंस प्लेस, ठीक है ना, हमें कैरी कहां पर लगानी है, टेंस प्लेस पर लगानी है। अब हमें 10 एड द डिजिट इन टेंस
कॉलम, टेंस कॉलम को प्लस करना है बेटा। वन को जब हम जीरो से प्लस करेंगे तो क्या आएगा, वन का वन ही आएगा। अब जो कैरी लगी हुई इसमें ऐड करना है, वन एंड वन टू, सेवनटीन एंड थ्री, हाउ मेनी टोटल फीसेस, ट्वेंटी, ट्वेंटी फीसेस आर द देयर इन अ रिवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाइए बेटा। अ फ्रूट सेलर हैड 11 बनानास, टू वाटरमेलन्स एंड फाइव मैंगोज, हाउ मैनी फ्रूट्स डिड फ्रूट सेलर हैड। इट मीन जो फ्रूट सेलर कौन होता है बेटा, फ्रूट बेचने वाला, उसके पास कितने हैं, 11 बनानास है एंड और क्या है, टू वाटरमेलन, टू क्या है, तरबूज है एंड फाइव मैंगोज हैं। ठीक है, हाउ मैनी फ्रूट डिड, मतलब जो फ्रूट्स बेचने वाला है उसके पास टोटल कितने फ्रूट्स हैं। अब हम लिखेंगे बनानास 11 एंड वाटरमेलन 2, मैंगोज 5, हाउ मेनी टोटल फ्रूट्स। ठीक है, एड द डिजिट इन वंस कॉलम। सबसे पहले हम वंस कॉलम को ऐड करेंगे। अब हमें यह देखना है कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है बेटा, 5 नंबर ऑन फिंगर, काउंट ऑन फिंगर, 1 2 3 4 5, फिर क्या बेटा 2, 1 2, फिर क्या 1 1, हाउ मेनी टोटल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट हेयर 8 इन वंस कॉलम। अब हमें क्या करना है, ऐड द टेंस कॉलम। अब टेंस कॉलम को ऐड करना है 1 का 1, क्योंकि और कोई नंबर है ही नहीं, तो उसके पास फ्रूट सेलर्स के पास बेटा कितने फ्रूट्स हैं, 18। ठीक है ना बेटा, बनानास कितने हैं, 11, वाटरमेलन 2, मैंगोस 5, तो टोटल फ्रूट्स कितने हो गए बेटा, 18। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम रीड करते हैं। 25 चिल्ड्रन वेंट टू फॉर स्विमिंग, 25 चिल्ड्रन कहाँ गए बेटा, स्विमिंग करने गए, और उसमें 26 मोर ज्वाइन देम, और 26 बच्चे और ज्वाइन हो गए। ज्वाइन का मतलब बेटा क्या होता है, प्लस करना है। ठीक है ना, वंस एंड टेंस, कितने बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं, 25, और उसमें और ज्वाइन हो गए 26, कितने हो गए, ज्वाइन हो गए। ज्वाइन का मतलब क्या होता है बेटा, प्लस। ठीक है, अब हाउ मेनी चिल्ड्रन आर स्विमिंग, अब वहां पर कितने बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं, अब हमें एड द डिजिट इन वंस कॉलम को ऐड करना है। ठीक है, इसमें हमें देखना है, अब ये वाला माइंड वाला करेंगे बेटा, इसमें कौन सा बड़ा नंबर है, 6, 6 नंबर कीप इन माइंड, ठीक है, माइंड में रखेंगे, एंड 5 नंबर ऑन फिंगर, 1 2 3 4 5। ठीक है, टेक जो आपने माइंड में रखा था उसको वापस लेना है और उसे नेक्स्ट नंबर से यहाँ काउंट करना है। ठीक है, 6 7 8 9 10 11, 11 का बेटा क्या आएगा, 1 एंड कैरी ओवर 1 इन टेंस कॉलम। ठीक है, अब हमें इन टेंस एड द डिजिट इन टेंस कॉलम को प्लस करना है। ठीक है ना, 2 एंड 2 कितना होता है बेटा, 4 एंड 1 5, अब वहां पर कितने बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं बेटा, हाउ मेनी चिल्ड्रंस, 51 चिल्ड्रंस आर स्विमिंग। ओके बेटा, अब ये आपको डू इन नोटबुक एंड बुक, नीट एंड क्लीन वर्क करना है बेटा, सुंदर सुंदर आपको ये वर्ड प्रॉब्लम वाला करना है, जो मैंने आपको पहले ये कराया है, ये भी बेटा आपको नोटबुक में करना है और बुक में करना है। ठीक है, और ये वाले भी बेटा आपको बुक एंड नोटबुक दोनों में आपको नीट एंड क्लीन सुंदर सुंदर वर्क करना है। ओके, थैंक यू।